हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएस लर्निंग। आज के सेशन में हम नाइन्थ स्टैंडर्ड अल्जेब्रा चैप्टर नंबर 1 सेट का जो है टाइप्स ऑफ सेट सीखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेट पर जो है ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। पार्ट 1 में हमने जो है सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड एम्प्टी सेट के बारे में स्टडी किया था। आज के सेशन में जो है हम इक्वल सेट, वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इक्वल सेट से। इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन अ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन अ सेट ए। यानी इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहे हैं, हमारे पास दो सेट हैं। पहला सेट जो है ए है, दूसरा सेट जो है बी है। उन्हें हम इक्वल सेट कब कहेंगे, जब सेट ए के सारे एलिमेंट जो होंगे सेट बी में होंगे और सेट बी के सारे एलिमेंट जो है सेट ए में होंगे, तो उन्हें हम इक्वल सेट कहेंगे। सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट, सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज ए इज इक्वल टू बी। सेट ए और बी जो है इक्वल सेट है, उसे डिनोट कैसे करेंगे, ए इक्वल टू बी से। टेक एन एग्जांपल ऑन इक्वल सेट। एग्जांपल 1, सेट ए ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लिसन, सेट एल आई एस टी ई एन। सेट बी ऑल वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट, S I L E N T। यानी कि जो है ये सारे के सारे एलिमेंट जो है एक दूसरे सेट A और B में हैं। दो द एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B आर नॉट इन अ सेम ऑर्डर बट ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर सेट A इक्वल टू सेट B। यहाँ पर सारे एलिमेंट जो है अनऑर्डर्ड है, यानी ऑर्डर में नहीं है, बट सारे के सारे एलिमेंट जो है एक दूसरे में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये जो है सेट ए इक्वल होगा सेट बी के। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा इक्वल सेट क्या होता है। ओके, आ जाते हैं वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम, ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन वाज़ द फर्स्ट टू यूज क्लोज फिगर टू रिप्रेजेंट सेट, सच अ रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड वेन डायग्राम। यानी कि वेन डायग्राम का जो है सबसे पहले यूज किसने किया, जॉन वेन ने। एक क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर है यानी बंद फिगर है, जिसको जो है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज किया है, उस डायग्राम को क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो ओवल शेप ही हो, स्क्वायर शेप हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है, एनी शेप हो सकता है, बस वो फिगर क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। वेन डायग्राम आर वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग द सेट एंड टू सॉल्व एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सेट। ओके, हम जो है वेन डायग्राम का यूज कहाँ पर करने वाले हैं, यस, सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसे इजिली समझने के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वेन डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की हेल्प से जो है हम वेन डायग्राम का यूज समझेंगे। सेट ए में जो है हमारे 1, 2, 3, 4, 5 तक का नंबर दिया है, अप टू 5। तो हमने सेट में जो है नंबर को रैंडमली जो है लिख दिया है, एक के बाद एक नहीं लिखा है, कहीं पर लिख दिया है। यानी कि सेट में नंबर जो है अनऑर्डर्ड हो सकते हैं और वो उस क्लोज फिगर के अंदर है, यानी वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। टेक एन अनदर एग्जाम्पल, सेट बी ऑल एक्स सच दैट x इज बिटवीन 0 to -10, x इज एन इंटीजर। यानी हमारा x जो है किसके बीच में आ रहा है, 0 से -10 के बीच में आ रहा है। वेन डायग्राम गिवेन अलोंग साइड रिप्रेजेंट द सेट। हमारा ये रेक्टेंगुलर शेप का जो सेट है, इसमें जो है ये कंडीशन के नंबर्स हैं। कंडीशन में था 0 से -10 के बीच के जो नंबर होंगे वो हमारे कहाँ आते हैं, सेट बी में आते हैं। 0, -1, -2, -3, up to -10 जो है सेट बी के नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर्ड में लिखा है, आप अनऑर्डर्ड भी लिख सकते हो। ओके, जॉन वेन जो है, ओके, स्मॉल सा इंट्रोडक्शन अबाउट जॉन वेन। जॉन वेन इज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गिव मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी।
वो जॉन वेन जो है एक मैथमेटिशियन है, उन्हें हम लॉजिशियन भी कहते हैं. ओके, एंड इन्होंने जो है मैथमेटिक्स एज वेल एज लॉजिक पर जो है बहुत सारी थियोरीज की हैं. फॉर एग्जांपल वैन डायग्राम. ओके, और इनकी जो है एक फेमस बुक है जिसका नाम है लॉजिक ऑफ चांस. ओके, उनका बर्थ जो है 1834 में हुआ एंड डेथ जो है 1883 में हुआ है. आई होप जो है हमें वैन डायग्राम समझ में आ गया होगा. आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट. इफ A and B are two given set and every element of set B is an also element of set A. हमारे पास दो सेट हैं, सेट A एंड B. यहाँ पर कंडीशन क्या है कि सेट B के सारे एलिमेंट जो है सेट A में आने चाहिए. Then B is an subset of A. तो B क्या हो जाएगा, subset of A होगा. यहाँ पर बड़ा सेट क्या है, A है. ए में जो है छोटे सेट बी के सारे एलिमेंट आते हैं, विच इज सिंबॉलिकली रिटर्न एज. यानी हम उसे जो है डिनोट कैसे करेंगे कि क्या किसका सबसेट है. बी जो है सबसेट है ए का, सबसेट ए का सबसेट है. यानी ए जो है बड़ा सेट है, उसके एलिमेंट्स जो है बी में आ रहे हैं. हाँ, एक वर्ड भी हो सकता है, एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो एलिमेंट हो सकता है, ये सारे के सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं. इट इज रीड एज बी इज अ सबसेट ऑफ ए. इसे हम रीड कैसे करेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए. या आप इसे ऐसे भी रीड कर सकते हो, बी सबसेट ए. बी सबसेट ए. टेक एन एग्जांपल ऑन दिस. एग्जांपल वन, ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. हमारे सेट ए में क्या है, 1 to 8 तक के नंबर लिए हैं. सेट बी में क्या लिए हैं, 2, 4, 6, 8 जो है इवन नंबर लिए हैं, या 2 का टेबल भी बोल सकते हो, है हमने ले लिया है. देन हमारे ए सेट क्या है, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला ओवल, इतना ये पूरा, ये जो है सेट ए है, उसमें से कुछ नंबर्स जो पूरे के पूरे ए में थे उसे अलग कर दिया है, जो कि 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स थे उसे सेट बी में कर दिया है. यानी सेट ए का ही एलिमेंट जो है सेट बी में आ रहा है. सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ ए. आई होप समझ में आ गया होगा कि ए के सारे एलिमेंट जो है बी में, ए के सारे एलिमेंट जो है बी में आ रहे थे, इसलिए बी जो है सबसेट है ए का. दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम एज यू कैन सी. सो आई होप सबसेट जो है समझ में आ गया होगा. आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. यूनिवर्सल सेट. थिंक ऑफ अ बिगर सेट विच विल accommodate all the given set under consideration, which in general known as universal set, so that the set under consideration are the subset of universal set. Okay, एक example के through जो है मैं explain करती exactly में universal set क्या होता है. A cricket team of 15 students is selected from our school. Here, all the students from school who play cricket is an universal set. A team of 15 cricket players is a subset of universal set. So, school के सारे बच्चे जो cricket खेलते हैं वो हमारे क्या हो गए? Universal set हो गए. और 15 student जो cricket team के लिए जो है select हुए वो हमारे क्या हो गए? Subset हो गए. आई होप समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है. यानी एक बड़ा सा टीम है, ठीक है, एक ग्रुप है बड़ा सा, वो हमारा यूनिवर्सल सेट है. उसके कुछ मेंबर्स या एलिमेंट को हम अलग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. जनरली द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू एंड इन अ वेन डायग्राम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल. ओके, अगर हम जो है दो सेट को एक साथ में लेते हैं जिसमें यूनिवर्सल सेट हो और उसमें सबसेट भी हो, तो हम यूनिवर्सल सेट को हमेशा ऑलमोस्ट जो है यू से ही
यू एंड रेक्टेंगुलर शेप, यू से डिनोट करते हैं एंड रेक्टेंगुलर शेप का होता है, एंड सबसेट जो है हमारा डिफरेंट शेप्स का ले सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है बट जनरली यही करते हैं. सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सपोज यू इज एन यूनिवर्सल सेट, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ यू, देन द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन यू विच आर नॉट सेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. सपोज यू इज एन यूनिवर्सल सेट, इफ बी सबसेट ऑफ यू, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू विच आर नॉट इन सेट बी इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी. इट इज डिनोटेड बाय कॉम्प्लीमेंट यानी बी डैश और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को जो है बी के ऊपर स्मॉल से सी से डिनोट कर सकते हैं. बी इज डिफाइंड एज फॉलो. ओके, कॉम्प्लीमेंट जो होता है, सपोज करो कि यू जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है और बी जो है उसके एलिमेंट्स है, ठीक है, बी जो है उसके छोटे से एलिमेंट्स यानी बी सबसेट है. बी का जो है बी जो सबसेट था हमारा उसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट लेंगे सेट यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट ए में थे या बी में थे वो जो है ए डैश में नहीं होंगे. आई होप समझ में आया होगा. टेक एन एग्जाम्पल ऑन दिस टॉपिक. ओके, टेक एन एग्जाम्पल, यू इज एन यूनिवर्सल सेट अप टू 1 to 10 नंबर्स एंड ए इज इवन नंबर्स एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज एक्सेप्ट दिस नंबर ऑल नंबर्स कम इन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इन नंबर को छोड़कर सारे के सारे नंबर जो है ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाए. ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा जो है ए सेट, और ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बचे हुए सारे नंबर्स जो है ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू इज एन यूनिवर्सल सेट 1, 3, 9, 11, 13 and 19 आर द यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट में 1, 3, 9, 11, 18, 19 जो है सारे नंबर्स आ गए. बी हमारा सेट बी क्या है, सेट बी जो है 3, 9 and 11, 13 है. अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी लेना है पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट में से, बी सेट को रिमूव कर देंगे हम लोग तो क्या बच जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्सेप्ट बी सेट ऑल नंबर्स कम इन बी कॉम्प्लीमेंट. आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.